आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने फोटो का बैकग्राउंड एंड कोई भी बैकग्राउंड आप ऐड करना चाहते हैं अपने फोटो के पीछे वो कैसे करें। इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, अपने फोटो के पीछे कोई भी बैकग्राउंड या कार या कोई भी फोटो या गार्डन एंड कोई भी फोटो के पीछे बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो, इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि फोटो के पीछे बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें। जी हाँ, और इस तरह मेरा नाम जानते कि मेरा नाम आदित्य गुप्ता और आपका फिर से मेरे टेक्निकल बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलो भाई गैर टाइम दवाई कर लेते स्टार्ट। सबसे पहले कि एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी हुई है उसे एप्लीकेशन की लिंक फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सिंपली उसे डायरेक्ट डाउनलोड करने के बाद एक तो मैं अपने पहले से ही ऑलरेडी प्ले स्टोर को ओपन करूँगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद एक तो ये एप्लीकेशन है बैकग्राउंड चेंज ऑफ फोटो, आपको इसे इंस्टॉल करना। इंस्टॉल जैसे आपने इंस्टॉल इसे कर दिया थोड़ा सा आपको वेटिंग करना होगा, जैसा आपका डाटा जैसा आपकी मोबाइल का डाटा हाई रफ्तार से चल रहा है वैसे ही इस एप्लीकेशन हाई रफ्तार से इंस्टॉल होगी। फिलहाल मेरा वाईफाई नेटवर्क जो आ रहा है बट थोड़ा सा आपको वेटिंग करना होगा, बहुत काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है बट इस कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछना बहुत जरूरी है, वहाँ से आपको रिप्लाई दे देंगे। तो वैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको वेटिंग करने के बाद थोड़ा सा इंस्टॉल हो रहा है यार, बट ये पेंडिंग चल रहा है। पेंडिंग होने के बाद जैसे वेरीफाइड हो जाएगा वेरीफाइड बाई प्लेयर प्रोडक्ट फिर थोड़ा सा आपको वेटिंग करना हो। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है बहुत कमाल की एप्लीकेशन है, फोटो के पीछे बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं कोई भी बैकग्राउंड आसानी से कर सकते हो। देखो तो ये ओपन होने के लिए रेडी हो रहा है बट इसे ओपन करें, ओपन करने में देखो तो आपके सामने एप्लीकेशन का ऑन पेज कुछ ऐसे ओके खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा कोई वेटिंग करना हो जो भी परमिशन ये एप्लीकेशन मांगेगा, देख सकते हो काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है, जो भी परमिशन ये एप्लीकेशन मांगे सारी आपको परमिशन अलाउ कर देना, ज़्यादा परमिशन नहीं मांगे बट 2-3 परमिशन अलाउ करनी है और आपका एप्लीकेशन तुम्हारे फ़ोन में लॉन्च हो जाएगा। देख सकते हो काफ़ी कोई अपने बैकग्राउंड में कोई भी फोटो ऐड करना चाहते हो, सॉरी बैकग्राउंड में कोई भी फोटो के पीछे बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो ये गाइस आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो नेचर से यहाँ पे फ्लावर से यहाँ पे देख सकते हो बर्थडे यहाँ पे फायर यहाँ पे नन हो जाएगा यहाँ पे एनिमल अपने फोटो के बैकग्राउंड में जी गाइस आसानी से कर सकते हो। मैं फिलहाल मैं कोई भी अपने वीडियो की सॉरी फोटो के पीछे बैकग्राउंड ऐड फोटो के पीछे कोई भी बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं बट उससे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फिलहाल ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। मैं फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो जैसा आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो तो थोड़ा सा आपको लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद जो भी डायरेक्ट अपने गैलरी में या गूगल फोटो पे आ जाएगा। जो भी अपना फोटो गूगल फोटो सेलेक्ट करना है तो गूगल फोटो सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं अपनी गैलरी भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। गैलरी सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा, जो भी फोटो आपको ऐड करना है यहाँ पे आप ऐड करके यहाँ पे बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं ये वाला फोटो सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद देख सकते हो थोड़ा सा वेटिंग करना हो, देख सकते हो स्कैनिंग हो रहा है बैकग्राउंड रिमूव, अभी बैकग्राउंड मेरा रिमूव हो गया है, देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड में फोटो ऐड हो गया है। देख सकते हो कितना हैंडसम लग रहा है, कितना क्वालिटी का लग रहा है। यहाँ पे अगर आपका बैकग्राउंड में फोटो में बैकग्राउंड ऐड हो गया है तो आपको यहाँ पे सेफ्टी करना है कि यहाँ पे सेफ्टी बटन की आइकन सेव के बटन की आइकन पर क्लिक करना है, फोटो में सेव के बटन की आइकन पर क्लिक कर दिया, फिर से आपको करना है यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने वाले देखते तो मेरा ये सेव हो गया खड़ा है, एड को भी कट करेंगे, एड को कट करने वाले देखते तो मैंने सिंपली अपना फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया। फाइल मैनेजर को ओपन करना देखते तो मैंने फाइल मैनेजर को जाकर मैंने ओपन कर लिया। फाइल मैनेजर को ओपन करने वाले वीडियो को पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करने वाले देखते यहाँ पे कैमरा के आइकन पर क्लिक करेंगे।
जी आई देख सकते हो, देख सकते हो आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन करो। फाइल मैनेजर को ओपन करने के अपने इमेज को सिलेक्ट कर, इमेज को सिलेक्ट करने में देख सकते हो यहाँ पे मेरा इमेज आ गया। इतना हमसा क्वालिटी का इमेज लग रहा है, देख सकते हो इतना अच्छा इमेज लग रहा है। डायरेक्ट यहाँ अपने सेव कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशान हो रही है इस वीडियो के रिलेटेड एंड फोटो के पीछे बैकग्राउंड ऐड करने के लिए, आप कमेंट सेक्शन में कुछ मत बोलिए, वहाँ से आपको रिप्लाई देंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देने वाला था। आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई होगी थोड़ी सी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर दें, कुछ मत बोलिए, आपको रिप्लाई वहाँ से आपको रिप्लाई दे देंगे। कोई भी दिक्कत परेशान हो रही है तो अगर वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी लगी तो यहाँ पे मेरे अपना नाम एंड कोई भी सिटी की नेम या कोई भी नाम लिख के सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको अट्रैक्टिव कर देता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बंदे मातरा।